अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। 2 मार्च को गायब हुए तनुष्क राजपूत को ललितपुर पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया। आज दिनांक 10 अप्रैल को ललितपुर पुलिस द्वारा तनुष्क राजपूत को खांडवा से घर लाया गया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ बलराम पचौरी की रिपोर्ट। दिनांक 2 मार्च को ललितपुर के थाना प्रभारी क्षेत्र से एक बच्चा गायब हुआ था तनिष्क राजपूत नाम का। इसके गायब होने के बाद से ही पुलिस लगातार सक्रिय थी। थाना कोतवाली पे मुकदमा प्राथमिक 132 बटे 22 धारा 363 में हम लोगों ने जिक्र किया था। इसके बाद से एसओजी और सर्विलांस की टीमें लगी हैं। कल इस बालक द्वारा इंस्टाग्राम की आईडी का इस्तेमाल किया गया था। आईडी के यूज़ करने के साथ ही तुरंत हमारी सर्विलांस टीम ने इसकी लोकेशन निकाली और तत्काल एक टीम खांडवा मध्य प्रदेश पहुँची, जहाँ से बालक को इसके रिश्तेदार के यहाँ से सकुशल रूप से बरामद करके इनके माता पिता को सुपुर्द किया गया। सर कुछ बताया इतनी दिन कहाँ था, किस तरह का सफर? जैसा कि इनसे भी प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है, एक ये अपने 2 मित्रों के साथ एक मकान में घुसने का प्रयास कर रहा था। उसमें जो है मकान मालिक द्वारा उनके बेटे के द्वारा इसको पकड़ लिया गया था। इस बात से डर करके कहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो वो भाग गया था यहाँ से। जैसा कि इन्होंने बताया है, ललितपुर से कुछ दिन सागर में रहे, फिर भोपाल में रहे, फिर अपने ही रिश्तेदार के यहाँ खांडवा में लास्ट टाइम में रुके थे, जहाँ से इनको पुलिस बरामद करके लाई। सर जैसे कि ये इसने ये बताया कि ये कहाँ किस किस प्रकार हो गया? जैसे मैंने आपको घर गया है सागर से भोपाल और भोपाल के बाद ये मुंबई और खांडवा जगह जगह के तमाम जगहों पर ये जाकर के रुका था। वहाँ पर छोटे मोटे काम कर रहा था। काम करने से जो आमदनी हुई थी उससे इनने मोबाइल लिया था और मोबाइल के माध्यम से इंस्टाग्राम चला रहा था और इंस्टाग्राम आईडी एक्टिवेट होते ही लोकेशन मिलने के साथ ही हम लोग संबंधित जगह पहुँचे। सर जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और उस तरह का मामला नहीं निकला, तो क्या परिवर्तन की अगर कोई कार्रवाई होगी? चूँकि इसमें जिनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था, अब उनकी जो प्रथम दृष्टया इनसे बातचीत करके इनके बयानों में जो बात सामने आ रही है उनके द्वारा ऐसी कोई घटनाकारी नहीं है, इसलिए इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगेगी। और अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि कोई उनके लिए इंटेंशन था, कोई हमारे इंटेंशन था, तो उसी में विधि सम्मत कार्रवाई होगी।